नमस्कार, आप देख रहे हैं कैट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 12 नवंबर 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज दिन भर में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सभी अपडेट्स को हम वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वर्ल्ड कप 2023 को लेकर, जहां पर भी आप सभी को पता है कि वर्ल्ड कप में हमें कल दो जबरदस्त मैचेस देखने को मिले, जहां पर पहले मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम ने बांग्लादेश को वन साइडेड बुरी तरह से हराया, वहीं दूसरे मैच में यहां पर पाकिस्तान का क्या हाल इंग्लैंड की टीम ने किया आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। खैर दोस्तों, इन दोनों शानदार मैचेस के बाद जो वर्ल्ड कप 2023 की नई पॉइंट टेबल है उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पाएंगे। सेमीफाइनल्स के सिनेरियो यहां पर बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, पाकिस्तान की टीम ने अपने बैग्स यहां पर पैक कर लिए वापस अपने स्वदेश जाने के लिए। अब यह टीम तैयार हो गई है पूरी तरह से सेमीफाइनल्स की रेस से, यह टीम एलिमिनेट हो चुकी है। ऐसे में यहां पर वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल्स का फाइनल शेड्यूल हमें देखने को मिल गया है। चलिए फटाफट हम दोनों सेमीफाइनल मैचेस के शेड्यूल पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, पहला सेमीफाइनल मैच हमें 15 नवंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच मुंबई के वानखेड़े के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल मैच हमें उसी से अगले दिन 16 नवंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से ही साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच हमें कोलकाता के ईडन गार्डन्स के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। कुछ ऐसा शेड्यूल हमें यहां पर वर्ल्ड कप 2023 का देखने को मिला। एक बार फिर से यहां पर भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे, जो भी कहीं ना कहीं हम सबकी यादों को ताजा कर रहे हैं। जी हां, हम बिल्कुल भी वैसा नहीं चाहते जो हमारे साथ वर्ल्ड कप 2019 के दौरान हुआ था, हमें उस मैच का, उस सेमीफाइनल मैच का बदला लेना है। लेकिन दोस्तों, अब की बार हमारी टीम पूरी तरह से पूरे जोरों शोरों में नजर आ रही है और भाई हमें मतलब बिल्कुल अच्छी बेस्ट विशेज मिल रही है, हमारे सभी खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में, जिसके चलते भाई हम यहां पर अपने फर्स्ट सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है वर्ल्ड कप 2023 में आज होने वाले मैच को लेकर, जहां पर लीग स्टेज का हमें आज अंतिम मैच देखने को मिलेगा। भारतीय टीम का भी अंतिम मैच है, जहां पर भाई अभी तक टीम इंडिया ने कुल 8 मैच खेले हैं, 8 के 8 मैचों में वन साइडेड रोमांचक अंदाज से भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। लीग स्टेज का अंतिम व नौवां मैच भारतीय टीम आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से नीदरलैंड के खिलाफ यहां पर बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेलने वाली है। मैच काफी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन मैच को लेकर 2-3 बड़ी बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रही है, जहां पर भाई इस मैच में हमें भारत की प्लेइंग 11 में काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। खासकर बॉलिंग डिपार्टमेंट में बड़े बदलाव यहां पर होंगे। सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स को ध्यान में रखते हुए सभी जो रेगुलर प्लेयर्स हैं उनको इस मैच में रेस्ट दिया जा सकता है। जी आपको बताना चाहूंगा कि आपके जसप्रीत बुमराह, आपके कुलदीप यादव, आपके मोहम्मद सिराज तीनों खिलाड़ी हमें रेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं और उनकी जगह पर प्लेइंग 11 में हमें कुलदीप यादव की जगह पर आपके रविचंद्रन अश्विन, आपके जसप्रीत बुमराह की जगह पर शार्दुल ठाकुर, आपके मोहम्मद सिराज की जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा में प्लेइंग 11 में रिप्लेस करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके अलावा एक बड़ा चेंज हमें बैटिंग डिपार्टमेंट में भी देखने को मिल सकता है, जहां पर भाई सुरेश अय्यर की जगह पर ईशान किशन हमें भारत की प्लेइंग 11 में देखने को मिल सकते हैं। खैर दोस्तों, भारतीय टीम इजीली इस मैच को जीत लेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम तो ऐसा ही चाहते कि भाई अब की बार वर्ल्ड कप में भारतीय टीम एक भी मैच ना हारे, सेमीफाइनल फाइनल सब कुछ जीते। लेकिन भाई आपको क्या लगता है कौन सी टीम बनेगी वर्ल्ड कप की चैंपियन, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, लेकिन उससे पहले दिवाली के इस शुभ दिन पर मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी वेबसाइट के बारे में, जहां पर आप अपने घर बैठे ही लास वेगस जैसे आलिशान कैसीनोज को एंजॉय करके चंद मिनटों में हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं W88 के बारे में, जहां पर आपको स्लॉट गेम्स और कैसीनो गेम्स दोनों मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, कैसीनो गेम्स में आपको मिलेंगी हसीन लड़कियां जिनके साथ आप बातें भी कर सकते हैं और भाई वो आपको गेम खेलने के लिए काफी आपका हौसला भी बढ़ाएंगी। तो भाई इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, स्क्रीन पर आपको वेबसाइट का लिंक दिखाई दे रहा है, आप जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और अपना 150% वेलकम बोनस लेकर वहां पर कैसीनो गेम्स खेलकर अपना पैसा जीतना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द कैसीनो प्लेयर्स को मिलेगा एक जैकपॉट, जहां पर आप जीत सकते हैं डेल एलियन वेयर लैपटॉप, उसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी Z5 फोन, गैलेक्सी S8 टैबलेट और सेको की शानदार कार्ड जीतने का मौका आपको यहां पर मिलने वाला है। तो भाई दिवाली पर पैसे कमाने के इस मौके का बिल्कुल भी मत गवाइए, फटाफट जाइए गेम खेलिए, पैसा कमाइए। मैंने तो शुरू कर दिया है, आप भी फटाफट वेबसाइट पर जाकर शुरू कर दीजिए।
उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को लेकर, जहां पर आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से पता होगा कि भाई अभी से एक दो दिन पहले आईसीसी ने एक बहुत ही बड़ी और शॉकिंग खबर दी थी, जहां पर भाई आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया था कि भाई उन्होंने यहां पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की मतलब जो अनुमति मिली हुई थी उसे परमानेंटली यहां पर बैन कर दिया है। उसके रीजन को लेकर लगातार अपने सब्सक्राइबर सवाल पूछ रहे थे, तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में पूरी स्टोरी समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आपको पता है कि वर्ल्ड कप फिलहाल भारत में चल रहा है, ऐसे में श्रीलंकन टीम की तरफ से हमें काफी खराब परफॉर्मेंस अब की बार वर्ल्ड कप में देखने को मिला था, जिससे भाई आपके यहां पर श्रीलंकन कंट्री के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो थोड़े से ज्यादा भड़क गए थे। उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी, जहां पर उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जितने भी सदस्य थे सभी सदस्य को फायर कर दिया था, बाहर कर दिया था। उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई हम पूरे के पूरे स्टाफ को बदल देंगे, नया स्टाफ यहां पर हायर करेंगे, सभी की जॉब्स वो खा गए थे। लेकिन उससे अब आईसीसी यहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि भाई क्रिकेट बोर्ड में अगर यहां पर देश की गवर्नमेंट किसी भी टाइप की कोई भी दखलअंदाजी करती है तो भाई आईसीसी उसके बिल्कुल खिलाफ है, जिसके चलते आईसीसी ने अचानक से इमीडिएट एक्शन लिया। आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट कर दी भाई अब से यहां पर आईसीसी की जो टीम उनका हिस्सा श्रीलंकन टीम नहीं रहेगी, यानी भाई श्रीलंकन टीम की जो बायलेटरल सीरीज इंटरनेशनल सीरीज होती थी वो भी हमें देखने को नहीं मिलेंगी। उसके अलावा किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में श्रीलंका की टीम देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल तो यही एक्शन लिया गया है। लेकिन उसके बाद भाई काफी सारे लोग सवाल कर रहे थे भाई कितने टाइम के लिए यहां पर बैन लगाया गया, तो भाई फिलहाल यहां पर परमानेंट बैन लगा है। लेकिन आप सभी को पता है कि जिस तरह से पहले अफ्रीकन बोर्ड के साथ हुआ, जिम्बाब्वे बोर्ड के साथ हुआ, कुछ मीटिंग्स यहां पर आने वाले टाइम में होगी, उसके बाद भाई चीजें सॉर्ट आउट तो हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए अब यहां पर फिलहाल थोड़ा सा टाइम जरूर लगने वाला है। लेकिन भाई फिलहाल यहां पर श्रीलंकन टीम आईसीसी की जो लिस्ट उससे पूरी तरह से परमानेंटली बैन हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 को लेकर, और खबर निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लेकर। जी हां, कल अचानक से यहां पर दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से हमें दो बहुत ही बड़ी खबरें देखने को मिली। पहली खबर पृथ्वी शाह को लेकर, जहां पर भाई टीम ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि भाई अब की बार आईपीएल 2024 में यह टीम पृथ्वी शाह के साथ जाना नहीं चाहती है, और भाई डेफिनेटली उनको स्क्वाड से रिलीज करने वाली है, ट्रेड के लिए भी उनको निकाल रखा। लेकिन दोस्तों अब यह कंफर्म हो चुका है पृथ्वी शाह में आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एक और शॉकिंग खबर हमें यहां पर ऋषभ पंत के रिगार्डिंग देखने को मिली, जहां पर भाई दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट की तरफ से ऐसी खबर निकल कर आई कि भाई अब की बार आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत को यह टीम रिलीज करना चाहती है, उनको मिनी ऑक्शंस में भेजना चाहते। लेकिन उसके बाद हेड कोच ने यहां पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली मैनेजमेंट को बोल दिया कि अगर यहां पर ऋषभ पंत को रिलीज किया जाता है तो वो भी टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे देंगे, अगर पंत है तो वो है, अगर पंत नहीं होंगे तो वो भी यहां पर इस टीम के साथ नहीं रहेंगे। यानी भाई कहीं ना कहीं रिकी पोंटिंग ने वन साइडेड क्लियर कर दिया है कि भाई ऋषभ पंत से उनको कितना लगाव है, कितना उनको गेम पसंद है, और भाई पूरी तरह से वो ऋषभ पंत को लेकर हमें स्पोर्टिव यहां पर ऑन द फील्ड देखने को मिले हैं। और भाई अब नेक्स्ट डिसीजन क्या आता है, जो भी अपडेट आएगा अपडेट मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही प्रोवाइड करने वाला हूं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 के रिगार्डिंग ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, थोड़ी सी हैरान करने वाली खबर है, जहां पर भाई आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से पता होगा कि आईपीएल के पिछली नीलामी के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने भारत के वन ऑफ द फास्टेस्ट गेंदबाज आवेश खान को अपनी टीम में शामिल किया था। 150-153 की स्पीड से वो गेंदबाजी कराते हैं, आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। और भाई ऐसे में यहां पर बहुत ही बड़ी खबर हमें देखने को मिली है, जहां पर भाई उन्होंने मतलब आपकी लखनऊ टीम ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि आईपीएल 2024 के लिए वो इनको बिल्कुल भी परचेस नहीं करने वाले, अपने स्क्वाड में नहीं रखने वाले हैं, यानी भाई उनको भी यहां पर डेफिनेटली रिलीज करने वाले हैं। फिलहाल उन्होंने उनको ट्रेड लिस्ट में डाल रखा। खैर, जैसे ही कोई फाइनल अपडेट हमें देखने को मिलता है तो अपडेट आपको सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 के रिटेंशन को लेकर, जहां फिलहाल रिलीज प्लेयर लिस्ट काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि भाई आईपीएल की नीलामी के रिगार्डिंग ऑलरेडी अपडेट्स आ चुके हैं। 19 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से दुबई में हमें आईपीएल 2024 की नीलामी देखने को मिलने वाली है। लेकिन इसी बीच यहां पर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, रिटेंशन लिस्ट आपको भी बताया भी पहले ही बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई हमें यहां पर 26 नवंबर से पहले फाइनल रिटेंशन लिस्ट, रिटेंड और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी काफी सारे खिलाड़ियों को लेकर अपडेट्स निकल कर, ऋषभ पंत को लेकर अपडेट है, सरे सैयर को लेकर अपडेट है, पृथ्वी शाह को लेकर अपडेट है, आवेश खान को लेकर अपडेट है। खैर दोस्तों, जितने भी ट्रेड्स उनके ऊपर आपको एक स्पेसिफिक वीडियोज दोपहर में अपने चैनल पर फिर से देखने को मिल जाएगी। हालांकि 2 दिन पहले भी हमने एक वीडियो डाली थी जिस पर भाई आप सभी लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया था, और भाई वहां पर जो ट्रेड्स के रिगार्डिंग अपडेट्स आए थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। लेकिन दोस्तों अब यही ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर भाई ऋषभ पंत भी लिस्ट में शामिल
मिलेक है दिल्ली कैपिटल्स और उसके हेड कोच के बीच एक कंट्रोवर्सी जा रही है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी यहां पर पहले ही इस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सीरीज को लेकर। जी हां, वर्ल्ड कप 2023 के जस्ट बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में 5 मैचों की बहुत ही जबरदस्त T20 सीरीज खेलने वाली है और उस T20 सीरीज के लिए ऑलरेडी यहां पर फाइनल शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो चुकी है। लास्ट 2 T20 मैचों के शेड्यूल को यहां पर इलेक्शंस की वजह से चेंज किया गया है। खैर दोस्तों, स्क्वेंट्स को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई, जहां पर भाई इस सीरीज के लिए ऑलरेडी यहां पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। लेकिन कब होगा भारतीय टीम का ऐलान, किन किन खिलाड़ियों को यहां पर शामिल किया जाएगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तो भी आपको बताना चाहूंगा कि भुवनेश्वर कुमार हमें यहां पर टीम में कमबैक करते हुए नजर आने वाले हैं। रियान प्रिया की डेब्यू सीरीज हमें देखने को मिल सकती है। जितने भी यंगस्टर्स है या सभी यंगस्टर्स हमें इस टीम में देखने को मिलेंगे, यानी T20 फॉर्मेट के लिए भी वर्ल्ड कप से पहले जो बीसीसीआई ने भारतीय टीम तैयार की थी, जो टीम हमें एशियन गेम्स में जाती हुई दिखाई देती, बिल्कुल वैसी ही टीम हमें यहां पर इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है। हार्दिक पांड्या T20 फॉर्मेट के लीडर, लेकिन दोस्तों इस सीरीज में सिलेक्शन के लिए वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भाई अभी तक वो अपनी इंजरी से पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए, जिसके चलते भाई यहां पर हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है। खैर दोस्तों, बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट कर दी कि जैसे यहां पर फर्स्ट सेमीफाइनल मैच कंप्लीट होता है, उसके जस्ट बाद यहां पर इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ऑफिशियली भारतीय टीम का ऐलान कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2023 को लेकर। जी हां, 18 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच यह शानदार टूर्नामेंट हमें भारत के 5 अलग अलग स्टेडियम्स में देखने को मिलने वाला है। सभी तैयारियां फिलहाल जोरों शोरों पर है। 2 नई टीमों को टूर्नामेंट में एड किया गया है और भाई अब की बार 6 टीमों का टूर्नामेंट होने वाला है। फॉर्मेट में भी चेंजेस हुए, शेड्यूल यहां पर रिवील हो चुका है। सभी 6 की 6 टीमों के फाइनल स्क्वाड्स भी आ चुके हैं और आने वाले 1-2 दिनों के अंदर आपको लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2023 के ऊपर एक पूरी एक्सप्लेन्ड वीडियो अपने चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जहां पर हम A to Z हर चीज के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।